करेंगे उमर अब्दुल्ला जो नए मुख्यमंत्री बने, 10 साल बाद चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री बने, वो भी यहाँ पहुंचे। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं उमर अब्दुल्ला अस्पताल पहुंचे हैं और जानकारी उन्होंने ली है, क्योंकि अभी उनकी सरकार नई नई बनी है, ऐसे में उन पर बहुत दबाव है। सरकार बनते ही ये घटना हो जाना अपने आप में टेंशन क्रिएट कर रहा है उनके लिए भी। घायलों से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला की, तो इससे पहले मनोज सिन्हा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और घायलों से मिलने उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन अब एक एक चीज की, एक एक पहलू की बहुत गंभीरता से जांच की जा रही। तस्वीर जरा आपको दिखा रहे हैं, एनआईए की टीम यहां पहुंची है गांधरबल में। ये जो आतंकी हमला हुआ है, जांच एजेंसी अब इसके हर पहलू को खंगाल रही है। आखिर यहां तक कैसे पहुंचे आतंकी, किसने उनकी मदद की, क्या किसी की तरफ से यहां उन्हें एड मिला, ये तमाम चीजें हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश जांच एजेंसियां करती दिखाई दे रही हैं। एनआईए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरह से बढ़ता कश्मीर आतंकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि ये विकास के पथ पर जाता हुआ कश्मीर है और इसको लेकर दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारा मनोबल न गिरा है न गिरेगा। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विकास से आतंकियों में बौखलाहट, बढ़ते कश्मीर में दोबारा टेरर की आहट, 7 लोगों पर वार, कब होगा आतंकियों पर प्रहार। पहले कश्मीर से आतंकी हमलों और पत्थरबाजों की तस्वीरें सामने आती थी, लेकिन अब कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और शायद बढ़ते कश्मीर की यही तस्वीरें आतंकिस्तान को रास नहीं आ रही। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के गांधरबल में आतंकियों ने टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों को टारगेट बनाया, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे वो इलाका है जहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, जिसमें से अगर बात करें मजदूरों की तो सबसे ज्यादा जो मजदूर थे वो कश्मीरी नहीं थे, वो लोकल कश्मीरी नहीं थे। लेकिन जिन 7 लोगों की हत्या हुई है उनमें कश्मीरी शख्स भी शामिल है, यानी कि इस बार जो हमला किया गया है उसमें हर तरह के लोगों को टारगेट किया गया है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इस घटना के बाद से लोग सख्ते में इस लिहाज से भी हैं, क्योंकि जल्दी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार गठन के साथ ही यहाँ पे व्यवस्थाओं को लेके, विकास को लेके बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक बार फिर से टारगेट किलिंग को लेके जो दहशत है वो लोगों में देखने को मिल रही है। आतंकिस्तान के गुर्गों का ये कायराना हमला इतना खतरनाक था कि कैंप पे खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। चश्मदीदों के मुताबिक गैर स्थानीय वर्कर्स को टारगेट करने वाले आतंकियों की संख्या 3 थी और उन्होंने अचानक ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंकियों के तलाश के लिए सेना के जवान मुस्तैदी से जुटे हैं। कश्मीर आईजी वीके बिरदी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो है उनका काफिला है जो घटनास्थल का जायजा लेने के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसी के साथ साथ बता दें आपको कि अब इसके आगे जो मीडिया कर्मी है उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ जिनके घर है आगे, जिनके गांव है आगे, सिर्फ वही लोग आगे जा पा रहे हैं, जिनकी गाड़ियां हैं यहां के स्थानीय नंबर की, सिर्फ उनको जाने आगे दिया जा रहा है, वो भी नंबर चेक करने के बाद, गाड़ी की चेकिंग करने के बाद। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है। 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर ने जान गंवाई, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने से आतंकी बेलगाम हो गए हैं? क्यों उमर अब्दुल्ला के सीएम बनते ही टारगेट किलिंग की घटनाएं तेज हो रही हैं? क्योंकि जो आतंकी पहले जम्मू को निशाना बना रहे थे वो अब कश्मीर में भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। सवाल सरकार पर भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस जगह आतंकी हमला हुआ है वो इलाका सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र में आता है। अब्दुल्ला एंड सन्स पर सवाल भले ही उठ रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकिस्तान के गुर्गों का सफाया करने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आतंकी हमले में जो लोग भी शामिल हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को अब भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
जानकारी के मुताबिक इस हमले को द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने अंजाम दिया है, लेकिन गृह मंत्री के इस स्टैंड से साफ है कि इन आतंकियों का ढूंढ ढूंढ कर पक्का इलाज किया जाएगा, इनको घेर कर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे ऐसी नापाक हरकत करने से पहले ये आतंकी हजार बार सोचने पर मजबूर हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो TRF का जिक्र आपने सुना, TRF को लेकर हम आगे आपको जानकारी देंगे, लेकिन अभी हमारी सहयोगी अनामिका सिंह आपको देख रही हैं जो गांदरबल से सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, जरा ये समझना जाएंगे टनल पर जो कि कनेक्ट करने वाला था सोनमर्ग को, लद्दाख को, और ऑल वेदर टनल है ये, तो इस पर जो निर्माण हो रहा है क्या ये पड़ोसी देश को भा नहीं रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, यही वजह है कि विकास पर अब नजर है और इस तरह से दहशत फैला रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को घाटी में किसी भी विकास की चीज़ समझ में नहीं आती, उनको बर्दाश्त नहीं होती। और जिस जगह मेरी मौजूदगी है, ये वही हाईवे है जो आगे सोनमर्ग को जोड़ता है, ये वही हाईवे है जहाँ से लोग अमरनाथ यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये वही हाईवे है जो घाटी के विकास को दर्शाता भी है, दिखाता भी है, और इसी के आगे जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है सरकार की ओर से, वो भी देख पा रही होंगी आप। इसके आसपास जो बस्ती देख पा रही होंगी आप, छोटे छोटे जो टीन शेड दिखाई दे रहे हैं, जो जंगल के इलाके दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो बने घर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो पूरा का पूरा गांव वो बसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, इसके बाद से जो हाईवे उसको बंद कर दिया गया है, और ये देखिए किस तरीके से जो आपको जवान दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, अब जो जवान है उनकी मुस्तैदी यहां पर कर दी गई है, क्योंकि इसी इलाके में 7 लोगों की जान ले ली गई गोलियों से भून करके। लेकिन इसी के साथ साथ जो सवाल पूछा आपने कि जो पाकिस्तान है, जो पड़ोसी देश है, उसे घाटी का विकास समझ में नहीं आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो देखिए जो 3 शख्स पकड़े गए हैं इस पूरे के पूरे मामले में जिम्मेदार, उनमें से जो एक शख्स है वो पाकिस्तानी नागरिक है, और उसने 2 लोगों का साथ लिया यहां पे जो कि साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। 3 लोगों ने मिलकर के 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, और इसके साथ साथ अब जो बाकी लोग हैं, जो बाकी मजदूरों के परिवार हैं, वो गुस्से में है, नाराजगी में है, और दहशत भी उनके अंदर दिखाई दे रही है। गगन, दहशत फैलाने की ये कोशिश है, वो चाहते हैं कि डरे लोग कश्मीर आने से, और यही वजह इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए, तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो अनामिका को आप सुन रहे थे जो रिपोर्ट कर रही है गांदरबल से, लेकिन चलिए अब आपको बता देते हैं, TRF जिसका जिक्र आप यहां बार-बार सुन रहे हैं, द रेजिस्टेंस फोर्स, लश्कर-ए-तैयबा का वो सहयोगी संगठन जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वो कैसे काम करता है क्या आपको बताएं, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम ही इस हमले में सामने आया, उन्हीं की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है इस पूरी घटना की। लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी आतंकी संगठन है, यानी सहयोगी संगठन है, और हाल ही के दिनों में काफी सक्रिय TRF नजर आया है जम्मू कश्मीर में। हाल ही के दिनों में 2020 से लेकर अब तक कई हमले TRF कर चुका है। हालांकि हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस बल है, जो एजेंसीज हैं, इन्हें क्रैकडाउन भी किया है, वो डिटेल भी हम आपको देंगे, लेकिन आपको बताएं कि UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट बैन है। जी हाँ, पिछले साल सरकार ने TRF को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था और ये बैन है भारत में, और इसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। लेकिन आपको बताएं कि TRF की एक मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से वो काम करते हैं, कैसे वो चिन्हित करते हैं कि किस इलाके में उन्हें इस घटना को अंजाम देना, ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में कौंध रहे होंगे कि आखिर TRF बार बार ये घटनाएं कैसे कर रहा है।